अब देख रहे हैं फर्स्ट पोस्ट और एक नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू होने जा रहा है, जहां की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पार्टी के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अधिवेशन में दो दिनों तक मौजूद रहेंगे, इस वजह से यहां पर एक मिनी पीएमओ भी तैयार किया है। इस बार बीजेपी की राष्ट्रीय थीम अब की बार मोदी सरकार है, जिसको लेकर एक बार फिर साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत का परचम फहराने की तैयारी की जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज से दो दिवसीय संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर हैं। इस वक्त वो दुबई पहुंच चुके हैं, जहां की वो भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे और इसके अलावा दुबई के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में एक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे, जिसमें कि हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हाई पावर सिलेक्शन कमेटी ने गुरुवार को सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा को उनके पद से हटा दिया है। आलोक वर्मा पर भ्रष्टाचार के चलते ये एक्शन लिया गया है। आलोक वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से 9 जनवरी को राहत मिली थी, जिसके बाद वो 77 दिनों की छुट्टी के बाद वापस अपने पद पर लौटे थे और बहाल होते ही उन्होंने अंतरिम डायरेक्टर नागेश्वर राव द्वारा किए गए 10 ट्रांसफर ऑर्डर रद्द कर दिए थे। 31 जनवरी को आलोक वर्मा अपने पद से रिटायर होने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। सीबीआई के इतिहास में पहली दफ़े ऐसा हुआ है कि जब किसी डायरेक्टर को रिटायरमेंट की समय सीमा से पहले ही अपने पद से हटना पड़ा है। पत्रकार छत्रपति हत्याकांड के मामले में आज पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत राम रहीम को सजा सुना सकती है। इसको लेकर पंजाब, हरियाणा के अलावा चंडीगढ़ में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दरअसल आज से दो साल पहले अगस्त 2017 को जब राम रहीम को सजा सुनाई गई थी, उसके बाद हिंसा भड़क गई थी, जिस वजह से 40 लोगों की मौत हो गई थी। यही वजह है कि इस बार भी हरियाणा प्रशासन सर एहतियात बरत रहा है और कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। इस वक्त राम रहीम दरअसल अपने दो अनुयायियों के साथ रेप के मामले में रोहतक की जेल में सजा काट रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जीवन पर आधारित फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर आज रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म को लेकर सियासी विवाद काफी उठा। फिल्म के खिलाफ हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अर्जी दाखिल की गई, तो वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस यूथ विंग ने फिल्म रिलीज से पहले फिल्म दिखाने की मांग की थी। तो अभी तक की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी.firstpost.com।